छात्र संघ चुनाव तारीख की घोषणा होने के बाद से ही कॉलेज कैंपस में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। छात्र नेता चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रों ने विरोध किया। छात्र नेता सोनू मीणा की अगुवाई में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज कैंपस में छात्रों की मदद के लिए लगी कुर्सियों को पलट दिया। गुस्साए छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए और खून से पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने सिरिंज को छीन लिया। अभी छात्रों ने एक साथ मिलकर के अर्धनग्न होकर के झोली फैला करके प्रचारक के सामने मतदान के लिए जो अधिकार होता है छात्रों का, उसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया है। क्योंकि 50% जो छात्र है वो मतदान से वंचित होने वाला है। बीए फाइनल ईयर के जो छात्र है उनका एमएमए एडमिशन की प्रक्रिया अभी तक इन्होंने शुरुआत नहीं की है और ना ही बीए फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आया है। तो हम सभी की यही मांग है कि सभी के सभी जो बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित करें और जल्द से जल्द अस्थायी या स्थायी एडमिशन एमएमए दिया जाए, ताकि सभी छात्र मतदान से वंचित नहीं रह पाए और साथ ही साथ चुनाव जो उनका अधिकार लड़ने का वो चुनाव भी लड़ सके। तो इसी को लेकर के आज हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है। कुर्सियां यहाँ पे सभी छात्र एकजुट होकर के यहाँ पे आए थे, लेकिन कुछ छात्र वहाँ पे अपनी तैयारियों में लेकर के अपनी नेतागिरी कर रहे थे, लेकिन सभी छात्र यहाँ पे एकजुट है और इसी मांग को लेकर के हमने प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों से समझाइश की। छात्र नेताओं का कहना है कि अभी तक कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी नहीं हुए, इस कारण कई छात्र चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। विरोध करने वाले छात्र किशन भाटिया ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने व चुनाव लड़ने की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की है। कई छात्र लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल के 2 साल में चुनाव नहीं हुए, इस कारण उम्र के लिहाज से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार को उम्र सीमा भी बढ़ानी चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।